अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बारिश का मौसम है, लाहौर में आज बारिश हो रही है। आज बारिश का मौसम है तो आज मैं फ़िश करी की रेसिपी बनाऊंगी। ये मैंने फ़िश जो है धो के तो रख ली हुई थी रात को फ्रिज में, अभी ये बिल्कुल जो इसका पानी खुशक हो चुका है। सबसे पहले मैं फ़िश को मैरिनेट करूँगी। तो मैरिनेशन के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, ये ज़ीरा, ब्लैक पेपर, सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक और ये लेमन का जूस भी जाएगा इसके अंदर। अब मैं फ़िश को पहले मैरिनेट करूँगी, उसके बाद फिर मैं ये लहसुन भी जाएगा मैरिनेशन के अंदर। सबसे पहले ये जो ड्राई मसाले हैं मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी, उसके बाद फिर जो फ़िश के अंदर डाल के तो मैरिनेशन करूँगी। ये मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया। मसाले के अंदर मैंने आपको शायद ज़ीरा नहीं शो करवाया, ज़ीरा भी मैंने इसके अंदर डाला है और ये लेमन जूस है। ये मसाला डाल देंगे मछली के अंदर। लाल मिर्च, लेमन जूस, नमक थोड़ा सा, क्योंकि मछली के अंदर नमक लगा होता है जब हम लेके आते हैं, तो मछली बनाने वाला इसके अंदर नमक डाल देता है। और अब इसको अच्छी तरह इसको जो है ना मछली के साथ मिक्स कर लेंगे, ताकि मछली के ऊपर ये सारा मसाला जो है लग जाए। और मैरिनेट करके हम इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसाला इसके अंदर जज़्ब हो जाए। अब मसाला बनाने की बारी है, तो ये प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें, क्योंकि मैंने मैरिनेशन में लाल मिर्चें भी डाली हैं और काली भी डाली हैं, तो हरी मिर्चें फिर थोड़ी डालूँगी, तो इन सब को मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया, अब मैंने ऊपर घी रख दिया, उसके अंदर इसको मैं डाल दूँगी। और इसको खूब अच्छी तरह हमने ना पकाना है और भूनना है। फिश को मैंने मैरिनेट करके तो फ्रीज़र में रख दिया था, तो तकरीबन इसको 3-4 घंटे हो गए हैं मैरिनेट की हुई को। मसाला भी हमारा अच्छी तरह भुन गया है। अब मैं इसके अंदर मछली डाल दूँगी। मसाले के अंदर मैंने मछली को डाल दी है। अब इसके अंदर हमने चम्मच नहीं मारना, बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो इसको जो है पहले तेज़ आग पे, फिर हल्की आग के ऊपर दम दे देंगे, और साथ साथ जो है ना पतीली को उठा के हिलाना है, चम्मच नहीं मारते, क्योंकि फिर मछली टूट जाती है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ग्रेवी बनाने के लिए, तो नमक जो है वो थोड़ा मुझे कम लगा है, तो नमक मैं डालूँगी। मिर्चें जो मैंने मैरिनेशन में डाली थी
और दो चार हरी मिर्चें थी वही काफ़ी थी। इसको कुक तो इतना करना नहीं होता, ये बहुत जल्दी पक जाती है, तो बस अब ये पक के तैयार है तकरीबन। हमारी फ़िश करी की रेसिपी बिल्कुल पक के तैयार हो गई, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मेरी फ़िश करी की आज की रेसिपी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और जो मेरी वीडियो पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब भी करें, और जो लोग मेरी सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।